हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फूडी क्रश आया है अपने एक और रेसिपी के साथ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड। तो कस्टर्ड मैं बिल्कुल न्यू स्टाइल में बनाने वाली हूँ, नए तरीके से बनाने वाली हूँ। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन लिया है और पैन में देसी घी डाल दिया। यहाँ पे मैंने वर्मसली सिवई को यूज़ किया है इस कस्टर्ड में। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे फ्राई कर दिया है। और यहाँ पे हमने कटे हुए नट्स रखे थे, उसे भी इसमें शामिल कर दिया है। और इन सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे हम बहुत ही धीमी आँच पर इसे रोस्ट करेंगे। आँच ज़्यादा नहीं रखिएगा, वरना आपका ये सारी चीज़ें, नट्स और सेवैयाँ जल सकती हैं। तो इसलिए आप धीमे धीमे आंच पे इसे हल्के हाथों से फ्राई कीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं दूध को। तो ये देखिए, हमने इसमें दूध ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, अब इसे हम अच्छी तरह से कुक होने के लिए चढ़ा देंगे ताकि सेवैयाँ अच्छी तरह से गल जाएं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इसे चढ़ा दिया है। और उबाल आने तक इसे इसी तरह से चलाते रहिएगा, वरना आपकी सेवैयाँ पैन में चिपक सकती है। तो इसे अच्छी तरह से आप चलाते रहिए। तो ये देखिए, इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसे इसी तरह से कुक होने के लिए रख देंगे और ये इसी तरह से कुक होता रहेगा। तो गाइस, रमज़ान का दिन है, आप इसे, इस रेसिपी को सहरी में, अफ्तार में, किसी वक्त भी आप इसे बना सकते हैं। और इसे खाइए, सबको खिलाइए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन के तैयार होती है ये कस्टर्ड। बिल्कुल नए मेथड से मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ठंडा दूध ले लिया है और हम इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड को ऐड करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड डाल करके इसका अच्छे से घोल तैयार कर दिया है। और दूसरी तरफ चूल्हे पे हमारा कस्टर्ड जो है कुक हो रहा है। तो इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि लम्स ना रहे। अच्छी तरह से मिक्स करना है। याद रखिए गाइस, आप इसे ठंडे दूध में ही मिक्स कीजिए, दूध गर्म ना हो। इस प्रोसेस को आपको ठंडे दूध के साथ ही करना है। तो यहाँ पे मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब हम इसे ऐड करेंगे। पहले हम अपनी सेवइयों को चेक कर लेंगे कि मेरी सेवई जो है अगर अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, तो फिर हम इसमें अपने कस्टर्ड को, घुले हुए कस्टर्ड को ऐड करेंगे। अब वक्त हो गया है इसमें चीनी ऐड करने का। तो ये देखिए, चीनी हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें ऐड करेंगे। आप जिस तरह का मिठास रखना चाहें उस तरह से आप इसमें ऐड कर दीजिए। ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो ज़्यादा चीनी ऐड करिए, कम मीठा पसंद करते हो तो कम चीनी ऐड करें। मैं थोड़ा कम चीनी ऐड करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से। अब इसमें हमने किशमिश को भी ऐड कर दिया। किशमिश हमें बाद में ही ऐड करना है, लास्ट टाइम में। पहले से ऐड करने से किशमिश बहुत ज़्यादा फूल जाती है। अब टाइम हो चला है इसमें कस्टर्ड को ऐड करने का। तो देखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके हमें इस तरह से इसमें कस्टर्ड को ऐड करना है। आप एक साथ एक बार में नहीं डालिएगा, इसे धीरे धीरे करके इस तरह से ऐड कीजिएगा और हल्के हल्के हाथों से हिलाते रहिएगा। तो ये देखिए, अब मैंने इसमें सारे कस्टर्ड को ऐड कर दिया है और इस तरह से इसे मिलाते रहेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें हल्के हल्के हाथों से इसे मिलाते रहना है। अब हमारा दूध जो है ये गाढ़ा हो चला है क्योंकि इसमें अब हमने कस्टर्ड मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए, ये धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है।
ये देखिए गाइस, रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे पेज को, मेरे इंस्टाग्राम पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा कस्टर्ड जो है गाढ़ा हो चुका है, इसका मतलब ये अब अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब इसे हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी तरह से बस इसे हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अब हम अपने गैस को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़े देर के लिए ठंडा होने रख देंगे। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट गाढ़ा हो चुका है ये। तो अब हम इसे गैस को ऑफ कर देते हैं और हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ऐड करेंगे, कुछ फ्रूट्स हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो जब तक ये ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। तो गाइस अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रखने वाली हूँ। ये देखिए कस्टर्ड पूरी तरह से तैयार हो चुका है और गाढ़ा भी हो गया है। तो इसे अब हम छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए। ये देखिए गाइस, आप कस्टर्ड कैसे बनाते हो कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी इस प्रोसेस को एक बार ज़रूर ट्राई करना, मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। ये बन के बहुत ही लजीज तैयार होती है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। अब इसे हम इस तरह से रख देते हैं। तो गाइस देखिए हमारा कस्टर्ड जो है पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और ये गाढ़ा भी हो गया है। चलिए अब हम इसमें अपने कुछ कटे हुए फ्रूट्स, सेब, अंगूर और केले को ऐड कर देते हैं। इस तरह से छोटे टुकड़ों में इसे आप कट कर लीजिए और अब इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो गाइस देखिए ये कितना गाढ़ा हो चुका है ना, ये बहुत ही परफेक्ट हो चुका है। तो अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, सर्विंग बाउल में। तो चलिए ये हमने अपने सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। तो मैं इसमें ऐड करती हूँ ये रोज़ सिरप, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप भी ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने कस्टर्ड में रोज़ सिरप को ऐड करने के लिए। अगर आपके पास रोज़ सिरप नहीं है तो आप रोबज़ा भी यूज़ कर सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे गार्निश कर देते हैं। तो ये देखिए थोड़ी देर के बाद ये कैसा लग रहा है, ये बहुत ही परफेक्ट तरह से तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे। तो गार्निश करने के लिए मैंने फिर से यूज़ किया है रोज़ सिरप का और चेरी का। तो ये देखिए रोज़ सिरप से इस तरह से मैंने हल्का सा इस पर डिप किया है और इसके सेंटर पर मैंने इस तरह से चेरी को रख दिया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और बच्चों को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है। तो गाइस रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये कस्टर्ड की रेसिपी आप कब ट्राई कर रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो गाइस जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को, और इसी तरह से प्यार देते रहिए। बाय बाय।